मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से ताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। चंद्रयान 3 के लिए सबसे अहम है अगले 34 घंटे। 140 करोड़ भारतीयों को है बेसब्री से इंतजार। इसरो के मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूरा भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भारत के लिए अगले 36 घंटे काफी अहम है। बेंगलुरु से पूरे मिशन को कमांड दी जा रही है। अंतरिक्ष से एक अच्छी खबर ये भी है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद के ऑर्बिट में चंद्रयान 3 का स्वागत किया है। मिशन चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर भारत के वैज्ञानिक काफी ज्यादा सतर्क हैं। चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटिक है। लैंडिंग के लिए सुरक्षित जगह तलाशने के बाद चंद्रयान 3 डिसेंट ऑपरेशन शुरू करेगा। जब तक लैंडिंग के लिए सही और सुरक्षित जगह नहीं मिलती तब तक इंतजार किया जाएगा। आइए जानते हैं मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ खास बातें जिन्हें हर किसी को पता होना चाहिए। सबसे करीबी कक्षा में पहुंचा चंद्रयान 3। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सबसे करीबी कक्षा में पहुंच चुका है। 140 करोड़ भारतीय उस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब बुधवार 23 अगस्त 2023 को भारतीय समयानुसार शाम 6:04 पर लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरेगा। सॉफ्ट लैंडिंग से दो दिन पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरें जारी की जहां लैंडर उतरने वाला है। ये तस्वीरें लैंडर विक्रम में लगे विशेष लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा LHDAC ने खींची है। सॉफ्ट लैंडिंग कर नया इतिहास रचेगा भारत। यह कैमरा लैंडिंग का उपयुक्त स्थान खोज रहा है। यह कैमरा चांद के सतह की तस्वीर खींचकर खतरों ऊबड़ खाबड़ सतह या गहरी खाइयों का पता लगाएगा और सुरक्षित स्थान की पहचान कर सॉफ्ट लैंडिंग में मदद करेगा। इसे अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC ने विकसित किया है। इस बीच इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि लैंडर मॉड्यूल का पूरा सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बैठक के दौरान जितेंद्र सिंह ने भरोसा जताया कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर नया इतिहास लिखेगा। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 के लैंडर ने साधा संपर्क। इसरो ने सोमवार को कहा कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल के बीच संपर्क स्थापित हो गया है। इसरो ने एक्स पर पोस्ट किया कि स्वागत है दोस्त। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का स्वागत किया। दोनों के बीच संचार स्थापित हो गया है। भारत ने 2019 में ऑर्बिटर लैंडर और रोवर से युक्त चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, लेकिन अंतिम क्षण पर लैंडर और रोवर से संपर्क टूट गया था और उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। लेकिन ऑर्बिटर अभी भी वहां है और कार्य कर रहा है। 23 अगस्त को शाम 5:20 पर शुरू होगा सीधा प्रसारण। इसरो ने कहा कि लैंडिंग का सीधा प्रसारण 23 अगस्त को भारतीय समय अनुसार शाम 5:20 पर शुरू होगा। पहले कहा गया था कि सीधा प्रसारण शाम 5:27 पर शुरू किया जाएगा। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक नीलेश एस देसाई ने कहा कि लैंडिंग के संबंध में निर्णय लैंडर मॉड्यूल और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर लिया जाएगा। अगर कोई भी प्रतिकूल हालात दिखते हैं तो लैंडिंग 27 अगस्त को होगी।